हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव सीरीज का अगला विशेषांक, सामरी की ज्वाला। जीवन के कई रूप होते हैं, मनुष्य, पशु, पेड़, पौधे, और वे आकृतियां जिनको हम राक्षस, प्रेत और पिशाचों का नाम देते हैं, कंकाल, त्रिकाल और शाकाल से तुम लोग नहीं बच सकते। ध्रुव, मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है। घबराओ मत नताशा, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। पर इससे तो मैं छूट भी नहीं पा रहा हूं। ध्रुव की फैली आंखों के सामने त्रिकाल और शाकाल ने नताशा को घेर लिया। ध्रुव बचाओ, मेरे हाथ पैरों को क्या हो रहा है? मैं इनको हिला क्यों नहीं पा रहा हूं? क्या मुझे लकवा मार रहा है? मेरा दम क्यों घुट रहा है? आह, नहीं। ध्रुव का शरीर पसीने से तर था। रात के 2 बज रहे थे। ओह, फिर वही सपना, लगातार तीसरी बार। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या यह सपना मुझे किसी खतरे की सूचना दे रहा है? नताशा का फ्लैट। हेलो नताशा, तुम ठीक तो हो ना? ध्रुव, हाँ, पर क्या बात है, तुमको ऐसा क्यों लगा? बस वैसे ही। गुड नाइट नताशा। रात के 2 बजे ध्रुव का फोन। शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, पर बेचारा शर्म के मारे नहीं कह पाया। हाय, हमारी भारतीय संस्कृति में यही तो एक खराबी है। बहुत छाती है ध्रुव को। घबराओ मत, तू और ध्रुव साथ साथ मरेंगे। अगले दिन भी ध्रुव के दिमाग में वही स्वप्न घूम रहा था। तीनों रातों तक लगातार एक ही सपना, यह संयोग नहीं हो सकता। और वह इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था कि कोई उसको बड़े गौर से देख रहा है। यही है वीर योद्धा कुमार ध्रुव, मुझे इसी की तलाश थी। अब मैं इनसे प्रार्थना। अरे, धमाकों की आवाजों ने उस स्त्री का ध्यान भंग कर दिया और ध्रुव का ध्यान भी। आतंकवादी? पापा ने मुझे खबर दी थी कि कुछ कट्टर आतंकवादी राजनगर में हंगामा करने के लिए आ चुके हैं, पर ये इतनी जल्दी अपनी पहली वारदात करेंगे, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। आतंकवादियों का निशाना बेकसूर भीड़ थी और ध्रुव का निशाना आतंकवादी। गोलियां दोबारा चली पर भीड़ तक नहीं पहुंच सकी। अगले ही पल आतंकवादियों के हाथों से AK-47 राइफलें अलग हो गईं। सुपर कमांडो ध्रुव, भाग यहां से। भागता हूं, पर भागते भागते इसको स्वर्गीय सुपर कमांडो ध्रुव तो बनाता चलूं। ध्रुव को आतंकवादियों का इरादा भांपने में थोड़ी देर हो गई। गाड़ी उसके शरीर से कुछ ही फुट की दूरी पर थी कि तभी साय। आश्चर्य हो गया। पलक झपकते गाड़ी के टायर गलकर सड़क पर चिपक गए और गाड़ी पिघले कोलतार में फंस गई। एक लपट और चमकी और कार आग के शोलों में घिर गई। अब ध्रुव अपने को बचाने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता था। आग की झपट उस गली से आई है, पर ऐसी प्रलंकारी झपट कौन फेंक सकता है? गली में मुड़ते ही वह कौन ध्रुव के सामने थी और ध्रुव उसको जानता था। नताशा, महापराक्रमी कुमार ध्रुव को राजकुमारी सबरीना प्रणाम करती है। नहीं, ये नताशा नहीं है। इसकी आंखें लाल हैं जबकि नताशा की आंखें नीली हैं। वैसे बाकी शक्ल हूबहू मिलती है। तुम कौन हो सबरीना? यह अद्भुत शक्ति तुम्हारे पास कैसे आई? हम लोगों को यह शक्ति सामरी की ज्वाला से प्राप्त होती है, पर इस वक्त हम लोगों पर भयंकर संकट आया हुआ है जिससे हम लोगों को सिर्फ आप ही छुटकारा दिला सकते हैं। मैं? पर कैसे? मैं बताती हूँ। सबरीना की आंखों से एक ठंडी लपट ने निकलकर ध्रुव के सिर को घेर लिया और ध्रुव के दिमाग में एक दृश्य उभरने लगा। मेरे दिमाग में एक ज्वालामुखी की तस्वीर उभर रही है, पर यह तो ज्वालामुखी है जो मुझे सपने में लगातार 3 बार दिख चुका है। दृश्य बदलने लगा। अब मुझे भीषण ज्वाला दिख रही है, जैसे। अरे, ये दृश्य गायब कैसे हो रहा है? दृश्य गायब इसलिए हो रहा था क्योंकि सबरीना का ध्यान किसी और चीज ने खींच लिया था और अगले ही पल एक खतरनाक आकृति घटनास्थल पर प्रकट हुई। कालूंगा? पर इसका दिमाग तो उसी दुष्ट के कब्जे में था। यह जरूर मुझ पर हमला करने आया है ताकि मैं ध्रुव को। तपते भाले की पैनी नोक सबरीना के सीने की तरफ लपकी। पर ध्रुव के लिए एहसान उतारने का वक्त आ गया था। सबरीना के सीने की तरफ बढ़ता भाला कंधे को छेदता हुआ निकल गया। अब ध्रुव उस प्राणी का पहला शिकार बन गया। यह कालूंगा तो पुराने युग के सैनिक की तरह लग रहा है, पर इसके पास भी सबरीना जैसी शक्तियां हैं। यानी ये भी उसी जगह से आया है जहां से सबरीना आई है। शायद सबरीना इसी संकट का जिक्र कर रही थी। आग की तेज लपट ध्रुव को लगभग झुलसाती हुई निकली। ओह, इसने तो जीते जी मेरी चिता बनाने की ठान ली है। अगर मैं किसी तरह से इसको बेहोश कर सकूं तो बात
अरे, पत्थर कालूंगा के शरीर तक पहुंचने से पहले ही मोम की तरफ गल गया और एक ज्वाला ने ध्रुव को जमीन पर गिरने के लिए मजबूर कर दिया। ये भाला, ये कालूंगा पर जरूर असर करेगा, पर क्या मैं इसको अपने हाथों से पकड़ सकता हूँ? नहीं, ये खतरा मोल लेना ठीक नहीं है। अगर मैं ठीक सोच रहा हूँ तो सविनय की पोशाक का ये कपड़ा मुझे झुलसने से बचा सकता है और मैं इसके भाले का स्वाद इसी को चखा सकता हूँ। निशाना सटीक था, सवार घोड़े से नीचे आ गिरा, लेकिन इस हमले ने कालूंगा को और पागल कर दिया। आओ, अब तो मैं फिर से भाले तक भी पहुंच भी नहीं सकता, और जो मेरी मदद कर सकती है वो बेहोश पड़ी है। क्या आप मुझे, अरे वाह, मेरी मदद करने वाला तो मेरे सामने खड़ा है, पर क्या वो मेरी बात समझेगा? हिन हिन हिन, ध्रुव के गले से एक हिनहिनाहट निकली और शांत खड़ा घोड़ा हरकत में आ गया। कालूंगा के पास इस बार का कोई काट नहीं था। आ! घोड़े के खुर हथौड़े की तरह उसकी खोपड़ी पर बरस रहे थे। वह अपने होश खो रहा था और सबरीना होश में आ रही थी। वाह, ध्रुव तो सचमुच महापराक्रमी है। कालूंगा को इसने कुछ ही पलों में धूल चटा दी, परंतु अगर ये बेहोश हो गया तो फिर ये इसी स्थान पर रह जाएगा और हमारे नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। अब मुझे ही इसको लेकर वापस जाना होगा। अब रुकने का समय नहीं है, क्योंकि अब मुझ पर भी बेहोशी छा रही है। उम्मीद है कि ध्रुव मेरी बात समझ गए हैं। सामरी, हमको अपनी ज्वाला में समेट ले। और ध्रुव की आश्चर्यजनक चकित और आश्चर्यचकित आंखों के सामने दोनों प्राणी घोड़े सहित लपट में गायब हो गए। आश्चर्य है, अभी वो लड़की मुझसे मदद मांग रही थी और फिर अपने ही दुश्मन के साथ गायब हो गई। पर वो मुझसे मदद क्यों मांग रही थी? इनकी शक्तियों के सामने तो मेरी शक्तियां धूल भी नहीं है। तुम गलत सोच रहे हो सुपर कमांडो ध्रुव, सिर्फ तुम ही एक ऐसे शख्स हो जो मेरा रास्ता रोक सकते हो, पर मैं उसके पहले ही तुमको खत्म कर दूंगा। ध्रुव को इस परछाई का आभास तक नहीं था, वह कुछ और सोच रहा था। उस लड़की की शक्ल हूबहू नताशा जैसी क्यों थी? क्या नताशा उस लड़की को जानती है? जबकि जवाब सीधा सा था, हूबहू मेरी शक्ल की लड़की। हाँ, उसे तो मैं रोज ही देखती हूँ ध्रुव। कहाँ नताशा? शीशे में कंघी करते समय। मजाक छोड़ो नताशा, यह सीरियस मामला है, और मैं सोच रही थी कि तुम मुझे डिनर पर इनवाइट करने आए हो। वैसे हॉलीडे इनका डिनर बहुत बढ़िया होता है, वहां किसी हॉलीडे हॉलीडे पर ही चलेंगे, अभी तो सारे वर्किंग डे हैं। अच्छा, मैं चलता। नताशा, 1 मिनट ध्रुव, मैं अभी आई। बैड लक ध्रुव, अब तो डिनर एकदम कैंसिल। कल मुझको दक्षिणी प्रशांत महासागर की सैर पर जाना है। क्यों, कोई खास बात है? एक वीरान द्वीप के ज्वालामुखी से धुआं निकल रहा है। गिनीज बुक के अनुसार यह संसार का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। वैसे तो ऐसे असाइनमेंट पर कोई और जाता है, पर इस बार ना जाने क्यों मेरा एडिटर मुझे सुन रहे हो या नहीं। ज्वालामुखी, फिर ज्वालामुखी, लगता है कि सपना सच होने जा रहा है। मैं नताशा को अकेले नहीं जाने दे सकता। सुनो नताशा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। शौक से चलो, पर क्यों? ऐसे मामूली खतरों से तो मैं रोज ही निपटती रहती हूँ। बहस नहीं, जो कहता हूँ सुनो और मानो। ओके बॉस, कल सुबह 5 बजे चलना है। मैं आ जाऊंगा, और किसी गुप्त स्थान पर। यह तो बुरी तरह घायल हो गई है, खून बहुत बह गया है, इनका जल्दी होश में आ पाना मुश्किल है। ये आप क्या कह रहे हैं धनवंतरी? हाँ, पर इनके बगैर तो हम शासक हीन हो जाएंगे। सिर्फ वही राजदंड उठाकर सामरिक हुक्म दे सकता है जिसकी रगों में राजसी खून हो। देवता सब ठीक करेंगे, अभी तो हमारी सारी आशाएं सामरी पर टिकी हैं। सिर्फ वही उस दुष्ट के षड्यंत्र को विफल कर सकता है, पर इस वक्त सामरी है कहाँ? सामरी, महायोद्धा सामरी, जिसके हाथ में शक्ति थी अमर ज्वाला की, सामरी की ज्वाला की। अब तू मेरा रास्ता रोकेगा गर्जक, यानी ज्वाल ज्वाल लोक के सर्वश्रेष्ठ योद्धा के दिमाग को भी उस दृश्य ने वश में कर लिया है। या यही समझ सामरी, अब ज्वाला पर मुझे अधिकार दे दे। तो गर्जक के मुंह से तू बोल रहा है नरक के शैतान? सामरी तेरे मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगा। संभल कर सामरी, तेरे वार से गर्जक के शरीर को ही नुकसान पहुंचेगा, मुझे नहीं। तेरे जैसे कीड़े को मसलने के लिए मुझे ज्वाला की जरूरत नहीं है। आखिर इस शैतान का मकसद क्या है? मुझे इस खास स्थान पर बुलाकर और गर्जक से भिड़ा कर ये क्या हासिल करना चाहता है? कुछ भी हो, पर इस वक्त मेरा एक ही देह है, गर्जक को बेहोश करने का, क्योंकि उसके बाद आह, बगैर ज्वाला के गर्जक को शिकस्त देना आसान नहीं था। एक तरफ अगर सामरी के पास युद्ध कला का वर्षों का अनुभव था, तो दूसरी तरफ गर्जक के पास जवानी की शक्ति का जोश था।
और इस वक्त उसके दिमाग में जो पागलपन सवार था उसने उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया था। अब मामला आर पार वाला था और सामरी के पास ज्वाला का प्रयोग करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। पर गर्जक के दिमाग पर सवार शैतानी ताकत ज्वाला की शक्ति से कहीं अधिक तेज थी। एक तेज गड़गड़ाहट के साथ विशालकाय चट्टान टुकड़ों में बिखर गई। एक गुफा का द्वार खुल गया था। और शैतानी ताकत का काम हो चुका था। अब उसको गर्जक के शरीर से कोई काम नहीं था। सामरी को पल भर में सारा खेल समझ में आ गया। मुझे यहाँ बुलाने का मकसद इस चट्टान को हटवाकर अपने शैतानों को आजाद कराना था, जो इस गुफा में जाने कब से कैद थे, और इस चट्टान को सिर्फ मेरी ज्वाला ही हटा सकती थी। पर मैं इनको भागने नहीं दूंगा। जो गलती मैंने की है उसे मैं ही सुधारूंगा। दूसरी तरफ ध्रुव और नताशा को लेकर हेलीकॉप्टर ज्वालामुखी तक पहुंच चुका था। मैं अपने कैमरे में रील चेक। अरे ये क्या है ध्रुव? हेलीकॉप्टर के सामने एक धुंध का टुकड़ा तैर रहा था जो धीरे धीरे एक ऐसे आकृति का रूप ले रहा था जिसको ध्रुव पहचानता था। चंडकाल, तुम स्वर्णलंगड़ी से बचकर निकल गए? जवाब में ध्रुव के दिमाग में एक आवाज गूंजी। मैं कहाँ निकला हूँ ध्रुव, मेरा शरीर तो अभी स्वर्णलंगड़ी में कैद है। दरअसल स्वर्णलंगड़ी वालों ने मेरे शरीर के साथ साथ मेरे दिमाग को भी कैद कर रखा था। पर एक दिन इसी ज्वालामुखी के अंदर उबल रहे लावे के कारण स्वर्णनगरी में एक हल्का सा भूकंप आया। कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, पर पूरे स्वर्णनगरी की ऊर्जा मशीनें कुछ सेकंडों के लिए ठप हो गईं और मेरा दिमाग आजाद हो गया। अरे ये मैं कहाँ हूँ? मैं शायद स्वर्णनगरी में कैद हूँ। यहाँ से तो मैं धुआं बनकर भी नहीं निकल सकता। पूरा कमरा सील बंद है, पर ये दीवारें मेरे मानस तरंगों को नहीं रोक सकती। मुझे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। एक जबरदस्त प्रयास के साथ मेरा मानस रूप उस कमरे और स्वर्ण नगरी से बाहर आ गया। पर इस रूप में मैं खुद एक तिनका तक नहीं उठा सकता था। उसके लिए मुझे अपनी शैतानी सेना की जरूरत थी जो इस ज्वालामुखी की गुफा में कैद थी। यहां आकर मुझे सामरी की रहस्यमय ज्वाला का पता चला, जिसमें नहाकर मेरी शक्तियां असीमित हो जाएंगी। पर उसके लिए मुझे पहले सामरी के मस्तिष्क को कब्जे में लेना पड़ेगा। और फिर ओह, बातों बातों में पता ही नहीं चला कि तुम्हारी मौत का वक्त हो गया है। कंकाल, त्रिकाल, शाकाल, आओ। ओह ओह, वही सपने वाले तीनों शैतान। अब जब मेरी शैतानी सेना तुम्हारी लाश पर जश्न मनाएगी तभी मेरे दिल की आग बुझेगी। और हाँ, वे सपने तुमको मैंने ही दिखाए थे। अखबार के एडिटर ने मेरे वश में आने पर ही इस लड़की को यहाँ भेजा था। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सामरी की ज्वाला के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।